हेलो एवरीवन, आज हम थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग के बारे में जानेंगे। थ्रॉटल बॉडी हमारे एक्सीलेटर से कनेक्टेड होती है और एयर फिल्टर एक साइड से एयर फिल्टर से कनेक्ट होती है। तो ये देखिए, ये हमारा एयर फिल्टर है और ये हमारी थ्रॉटल बॉडी है जो कनेक्टेड है। ये क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि गाड़ी की, अगर आपके आरपीएम फ्लक्चुएट होते हैं या एवरेज डाउन है गाड़ी का, तो इस प्रोसेस को करने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये खोलने के लिए अब हम शुरू करेंगे। ये मास एयर फ्लो सेंसर फिल्टर बॉक्स, ये कुछ और कपलर्स हैं पीछे। अब इसको खोलने के लिए पहले हमें ये बैंजो क्लिप खोलना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं, एक हिस्से खोलेंगे। ये प्रोसेस वैगनार के लिए तो बिल्कुल यही होगा सेम, बाकी ऑल्टो के लिए और दूसरी गाड़ियों के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। क्लीनिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, यही तरीका होगा, बस बॉडी को निकालने का तरीका थोड़ा डिफर करेगा। ये भी 10 नंबर का बोल्ट है जो हम खोल देंगे इनटेक की साइड से। जनरली ये प्रोसेस हमें हर 20,000 किलोमीटर पे रिपीट करा लेना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी दो टाइप की होती हैं, एक मैकेनिकल जैसे कि ये है और एक इलेक्ट्रॉनिक। पहले अब हम ये एयर फिल्टर बॉक्स निकाल देंगे। देखिए, अब हमने एयर फिल्टर निकाल दिया है, अब हम ये पाइप भी निकाल देंगे। ये मास एयर फ्लो सेंसर, इसको निकाल देना है। सेंसर्स के साथ थोड़ा केयरफुल रहना है कि किसी भी तरह से डैमेज ना हो। इस प्रोसेस के बाद हो सकता है कि आपकी गाड़ी में चेक लाइट आए। ये देखिए, ये हमारा थ्रॉटल वायर है, एक्सीलेटर वायर, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। अगर आपकी गाड़ी में चेक लाइट आ जाती है तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उसमें भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि उसको बिना ओबीडी टूल के हम मैन्युअली कैसे रीसेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा प्रोसेस है। ये कुछ वैक्यूम पाइप्स लगे होते हैं थ्रॉटल बॉडी पे। ये भी हम निकाल लेंगे। कुछ कपलर्स होते हैं वायरिंग के, देख सकते हैं आप थ्रॉटल बॉडी कितनी गंदी है इस वक्त अंदर से। ये एक नट है 10 नंबर का, ऐसे ही 4 नट होते हैं, एक वो रहा नीचे, एक ये वायरिंग लूम के पास। हम इसको खोलेंगे, एक हम उधर से ऑलरेडी खोल चुके हैं, अब सिर्फ नीचे एक रह गया है। वायरिंग्स डिस्कनेक्ट कर लेते हैं हम, तो इजी हो जाएगा खोलना। ये हमारा टीपी सेंसर, इसका कपलर, ये एयर सेंसर, इसका कपलर। ये कपलर्स आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये कपलर्स अलग अलग होते हैं, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन सा कहाँ से निकला। जो जहाँ से निकला है वो वहीं फिट होगा। अब ये देखिए, ये हम खोल ले रहे हैं, 4 नट्स हैं इसमें। ये इस तरह से पूरी थ्रॉटल बॉडी अब बाहर आ जाएगी। इस तरह के नट होते हैं इसमें ये बोल्ट। ये देखिए, इस तरह से थ्रॉटल बॉडी हमारी होती है और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी इसमें अंदर इकट्ठा है। ये इसकी बैक साइड है, इसमें भी देखिए कार्बन बिल्डअप होना शुरू हो गया है, जबकि मैं रेगुलर क्लीनिंग इसकी करता रहता हूँ। अब इसको क्लीन करने के लिए हम WD-40 या जोरिक का यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मेरी एडवाइस रहेगी कि WD-40 या फिर जोरिक को ही यूज़ करें। हम
हम स्प्रे करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी इससे भी इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे पूरा ये काला काला इकट्ठा होता जा रहा है। ये जो नीचे होल है ये आईसी वेल्व की ओर जाता है, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो आगे बनाऊंगा। ये देखिए जनरली जो गाड़ियाँ सिटी में ज़्यादा चलती हैं उनमें ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना पड़ता है क्योंकि डस्ट सिटी में ज़्यादा होती है। देखिए हमने इसको साफ़ करना शुरू कर लिया है, एक ब्रश की मदद ले लेंगे अब हम इसमें, इस तरीके से अंदर से इसको हम साफ़ कर लेंगे ब्रश और कपड़े की मदद से। ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं इसकी एडजस्टमेंट आप ना छेड़ें क्योंकि ये हमारे आरपीएम सेट होते हैं इससे, जो कि हमें जब तक ज़रूरत ना हो हम इसे चेंज नहीं करते हैं, नहीं तो आपके आरपीएम या तो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे और इसकी कैलिब्रेशन थोड़ी मुश्किल होती है। काफ़ी स्प्रे का यूज़ करना पड़ता है मगर एक छोटी बॉटल में आपका एक बार का काम कर देगी। थ्रॉटल बॉडी क्लीनर नाम से भी चीज़ें आती हैं और आप ज़ोरिक या WD-40 भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पूरा काम आपको 100 रुपये कॉस्ट कर जाएगा। देखिए पीछे की साइड में भी करना इसको ज़रूरी है, मेजरली हम लोग खोलते इसीलिए हैं क्योंकि पीछे की साइड हो पाए। जनरली जो मैकेनिक्स होते हैं वो आगे की ओर थ्रॉटल बॉडी स्प्रे डाल के क्लीन कर देते हैं मगर वो यूज़लेस है जब तक पीछे की साइड से साफ़ नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी स्लज इकट्ठा हो जाता है, जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा था। ये एक्सीलेटर स्प्रिंग में भी डाल देते हैं, इससे एक्सीलेटर थोड़ा स्मूथ रहता है हमारा, उसके अंदर भी जो गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है। याद रखिए हर 20,000 किलोमीटर पे इस प्रोसेस को आप ज़रूर रिपीट करें। देखिए साफ होने के बाद इस तरीके से आगे से भी इसको हम कर लेंगे। ये आईसी वाल्व है, आइडल कंट्रोल वाल्व, इसके लिए एक वीडियो मैं आगे और बनाऊंगा। अब ये देखिए हमारी थ्रॉटल बॉडी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और अभी कुछ इस तरह की लग रही है, अब इसको गाड़ी में दोबारा फिट कर लेंगे। ये देखिए एक आइडिया मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना हमारे इनटेक में गंदगी इकट्ठा होती है इसके गंदा रहने से। देखिए हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है, किस तरह से इसमें स्लज इकट्ठा है और इसी की वजह से हमारी पुअर फ्यूल इकोनॉमी आती है। अभी इन्हें हमें टाइट कर लेना है, लेकिन ये याद रखिए कि ये सब एल्युमिनियम होती है सारी जो इसकी फिटिंग्स होती हैं और जिन जगहों पर फिट होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ हैंड टाइट करना है और एक एक चूड़ी टाइट करनी है। ज़्यादा टाइट करने से ये स्लिप हो जाएंगे और आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कपलर्स को वापस कनेक्ट कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कपलर्स जो जहाँ का है वो वहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए अभी टीपी एयर सेंसर का कपलर टीपी सेंसर में नहीं जाएगा, ये एयर में ही जाएगा अपने। इस तरीके से लॉक हो जाएंगे सारे कपलर्स। एक बारी सारे एयर पाइप्स और कपलर्स का ज़रूर ध्यान कर लें इग्निशन ऑन करने से पहले, नहीं तो चेक लाइट आ जाएगी। वैसे चेक लाइट को ख़त्म करने के लिए भी मैं आपको मैनुअल रीसेट का तरीका एक वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए हमने कनेक्ट कर लिया सब कुछ वापस। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे। जो ये येलो लाइट आ रही है ये वैसे चेक इंजन की लाइट होती है, इंजन ऑन होने के बाद इसे चले जाना चाहिए, अगर ये नहीं जाती है तो हमें इसमें रीसेट करना पड़ता है। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है इस वक्त और कोई भी चेक लाइट इसमें नहीं आ रही है, दैट मीन्स हमारे सब सेंसर्स वापस प्रॉपर फिटेड हैं।